2 जून आई तो जहन में इंदुकांत आंगिरस की लघु कथा ताज़ा हो गई। उन्वान है 1 जून की रोटी। सुबह दोपहर शाम जब कभी भी उधर से गुजरता वो भीख मांगती ही मिलती, और उसके 2 मासूम बच्चे फुटपाथ पर बिछी फटी चादर पर सोए मिलते। यूँ हमेशा ही बच्चों का सोए रहना मुझे खटक गया और मैं हिचकिचाते हुए उनकी माँ से पूछ ही बैठा, बच्चे बीमार हैं क्या, हमेशा सोए रहते हैं? ना बाबूजी, बीमार तो नहीं है, मैं इन्हें सुबह ही थोड़ी सी अफीम चटा देती हूँ। अफीम? क्यों, ऐसा क्यों करती हो? मैंने लगभग चौंक कर पूछा था। धंधा नहीं करने देते बाबू, जो जागते रहेंगे तो इधर उधर भागेंगे, अब मैं इन्हें संभालूं या इनके लिए 1 जून की रोटी का इंतज़ाम करूं? उसका जवाब सुनकर मैं बहरा ही नहीं गूंगा भी हो गया था। शुक्रिया दोस्तों।